तुम्हारा नाम क्या है? दिया। मैं नाम रखूंगा ना दिया। मतलब इस बात का क्या मतलब बनता है? शुक्र है ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। आज की इस वीडियो में बात करूंगा राधे मूवी ट्रेलर के बारे में, जिसे OTT पर और साथ ही साथ थिएटर्स में भी रिलीज किया जा रहा है। शुक्र है कि इसको OTT पर साथ ही साथ रिलीज तो किया जा रहा है। जब इस मूवी के बारे में मैंने सर्च किया तो एक कोरियन मूवी है द आउटलॉज, जो 2017 के अंदर आई थी, उसी की ये रीमेक है। वो जो मूवी थी कोरियन मूवी, वो एक रियल इवेंट के ऊपर, मतलब कि वहां पर जो ड्रग्स माफिया थे वो रियल में थे, तो वहां कि वो रियल इवेंट्स के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन बॉलीवुड ने इसकी कॉपी की है। वैसे मैंने कोरियन मूवी देखी नहीं है तो मुझे उसकी स्टोरी के बारे में नहीं पता, लेकिन राधे जो मूवी है मुझे ज्यादातर वांटेड मूवी की ही कॉपी लग रही है। मतलब एक तरीके से सलमान खान की जो मसाला मूवी है उसको मिलाकर, थोड़ा बहुत निकाल कर, उसमें से थोड़ा कंटेंट निकाल कर ये वाली मूवी बनाई गई है। पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने और इसके अंदर मेन कास्ट है सलमान भाई 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 मतलब कि सलमान भाई और एक और है साथ में रणदीप हुड्डा, जो काफी अच्छे लग रहे थे इस मूवी में। कहानी इस मूवी की वही है जो आज तक हम सलमान खान की मूवीज की जो मसाला मूवीज थी उसके अंदर देखते आ रहे थे, या बॉलीवुड के अंदर हम देखते आ रहे थे कि भाई जो एक शहर है इसमें जो मुंबई दिखाया गया कि मुंबई में ड्रग्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब सही टारगेट किया है इन्होंने, मुंबई में ड्रग्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक ऑफिसर को जो एक इस तरीके को अच्छे से हैंडल कर सके, बढ़िया तरीके से हैंडल कर सके, जिसकी सोच डिफरेंट हो, और उसको बुलाया जाता है, और वो कौन होता है? राधे, जिसको प्ले करा है सलमान खान ने। और जब राधे आता है तो अपने वे से चीज़ों को हैंडल करता है, ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, माफिया को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और इसमें जो विलन के तौर पर नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा, वो इसमें मिलते हैं, लास्ट में उसे मारा जाएगा या फिर उसे मतलब पकड़ लिया जाएगा या जो भी है। कितनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है यार बॉलीवुड की। आज के इस डेट में हम एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीजें देख रहे हैं, कमाल की बात होगी, इतनी प्रेडिक्टेबल। जहां पर हॉलीवुड या फिर हमारे साउथ जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप कोई भी मूवी या सीरीज देखो तो इतनी बढ़िया मूवी और सीरीज वो लेके आ रहे हैं हॉलीवुड की तरफ से भी और साउथ की मूवीज की तरफ से भी या साउथ सीरीज की तरफ से, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें वहां से आ रही है। लेकिन हम बॉलीवुड की तरफ से क्या देखते हैं? कंटेंट जो आता है वो तो या तो कॉपी होता है या फिर जब भी वो खुद का बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें गुड़ गोबर होते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि कहानी में इतना कोई दम होना जरूरी था, नहीं, हम इस कहानी को डाइजेस्ट कर सकते थे अगर इसके अंदर एक्शन जबरदस्त होते या फिर इसके अंदर डायलॉग बहुत बढ़िया होते या फिर इसके अंदर जो VFX जितने भी यूज किए गए वो भी बहुत अच्छे से यूज किए होते। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। डायलॉग के ऊपर यार वो मजाक चल रहा है, दिया नाम है मैं नाम रखूंगा ना दिया। मतलब मुझे इस डायलॉग पर हंसी नहीं आई, मुझे हंसी आई जिसने इसको लिखा है। तुम सोच कर देखो कितना उच्च कोटि का ज्ञान उस इंसान ने, उस प्राणी ने ले रखा होगा जिसने ऐसा सोचा होगा कि तेरा नाम क्या है? दिया। मैं नाम रखूंगा नादी। भाई मतलब लोगों को हंसाने के लिए ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या इस दुनिया में रहते हैं वो? क्या इस प्लेनेट के हैं? क्या किसी और बाहर के प्लेनेट से आए हुए हैं? वो क्या खाते हैं जो इतना हग देते हैं वो? और VFX वो जो लास्ट का जो सीन था जिसमें हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाया गया है, यार गुड गोबर चीजें। मुझे हंसी आ रही थी जिस मूवी का बेसब्री से इंतजार किया, राधे मूवी आ रही है, सोचा था यार इसके अंदर एक्शन जबरदस्त होंगे, कहानी बढ़िया होगी, एक अलग सा लुक देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको देखकर वांटेड मूवी की याद आ गई कि भाई इसमें जो वांटेड मूवी थी उसका सस्ता वर्जन ऐसा लग रहा था इस मूवी को देख, इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और रहा सा मूड तब खराब हो गया जब इस मूवी के गाने सुन लिए मैंने। मतलब मजाक चल रहा है आज की डेट में, मजाक चल रहा है कसम से। ऐसी मूवीज, ऐसी कहानी और ऐसी ऐसी चीजें लाकर हमें एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ जा रहा है यार बॉलीवुड? सच में बिल्कुल भी इससे उम्मीद रखना तो बिल्कुल ही खराब है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई विरोधी हूँ बॉलीवुड का, मैं सच में चाहता हूँ कि यार बहुत अच्छी मूवीज ये लेकर आए, और वांटेड मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन अभी ये देखो यार वही अगर सेम वर्जन हम देखने को लगेंगे तो यार इसमें कहाँ पर इंटरेस्ट आएगा? तो वो चीज़ मुझे बुरी लग रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सलमान खान को कोई पसंद नहीं, काफ़ी अच्छे लगते हैं यार मुझे, कहना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।